हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो ये मॉक टेस्ट 11 है जो हमने FAA VLAA एंड पटवारी का जो सिलेबस है उसमें जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज का पोर्शन है, उसमें जो टॉपिक है उन पे लिया है। एंड ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिफरेंट डिफरेंट JKSSB या SSC के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का पर्पज़ ये होता है कि अगर आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, फॉर एग्जांपल अगर एनवायरनमेंट से कोई क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया तो इसका मतलब आपने जो एनवायरनमेंट पर नोट्स बनाए उनमें कुछ वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं है। बट बाय चांस अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन की जरूरत है, वो आप थ्रू इन्हीं MCQ से कर सकते हैं ताकि कल जाके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन फर्स्ट, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, स्टेट इज दैट। वो ये क्वेश्चन पूछा SSC CGL के टायर फर्स्ट में, JKSSB ने पूछा रिसेंटली, सब इंस्पेक्ट एग्जाम है, एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। अब पर जो SSC और JKSSB ने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि कौन सा पायरामिड, कौन सा इकोलॉजिकल पायरामिड ऑलवेज अपराइट होता है, दैट इज़ पायरामिड ऑफ एनर्जी। अब पर ये जो क्वेश्चन है कि जो पायरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज अपराइट होता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है या क्यों होता है ऑलवेज अपराइट, ये क्वेश्चन पूछा है बेसिकली UPSC ने IAS एग्जाम में। अब देखो, चाहे हम SSC की बात करेंगे, चाहे हम JKSSB की बात करेंगे, चाहे हम UPSC IAS की बात करेंगे, चाहे हम JKPSC या स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं GS वगैरह उनकी बात करेंगे, टॉपिक तो सेम रहते हैं, क्वेश्चन तो वहीं से पूछा जाता है, बट जो क्वेश्चन की जो लेवल होते हैं वो थोड़ा वेरी करते हैं। अब SSC और JKSSB ने सिंपली पूछा जाता है कि कौन सा पैरामिड अपराइट होता है, बट UPSC या KS में पूछा जाता है कि क्यों होता है, वाई इट इज़ ऑलवेज अपराइट। तो ये डिफरेंस होते हैं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये टॉपिक जो है वो सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन की जो लेवल है वो वेरी करते हैं एग्जाम टू एग्जाम। नो, अब जो हमारा क्वेश्चन था कि पायरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है तो ये क्या शो या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हम ये जानते हैं कि जो पायरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होते हैं बट क्यों होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल पैरामिड, यहाँ पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके बाद आते हैं हर्बीवर्स, उसके बाद आते हैं कार्निवर्स एंड सो ऑन। हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे ज़्यादा रहती है, उसके बाद हर्बीवर्स में प्रोड्यूसर्स से कम रहते हैं, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, कार्निवर्स में हर्बीवर्स से भी कम रहती है। पर हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा 10% लॉ, लिंडमैन का जो 10% लॉ है वो ये कहता है कि जब भी जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सिर्फ 10% जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो 90% है वो लॉस हो जाते हैं हीट एंड अदर प्रोसेस में। अब 10% जब ट्रांसफर हो जाती है तो इसका मतलब, पर इनके पास जो हर्बीवर्स, इनके पास जो टोटल एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्निवर्स, इसका मतलब कार्निवर्स के पास जो टोटल एनर्जी है वो कम होती है, पर 10% इनको भी मिलता है, 10% इनको भी मिलता है, पर इनके पास टोटल, हर्बीवर्स के पास टोटल एनर्जी ज़्यादा है, कार्निवर्स के पास टोटल एनर्जी हर्बीवर्स से भी कम है। तो इसका राइट आंसर ये है कि जो हर्बीवर्स होते हैं उनकी जो एनर्जी कन्वर्जन जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवर्स है। तो इसका राइट आंसर है द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवर्स इज़ बेटर देन कार्निवर्स, सो इज़ राइट आंसर। एंड वन मोर थिंग, जो एफिशिएंसी है इसे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। तो अगर हम इन हर्बीवर्स की बात करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू 10% ला, जो इनको जो इनपुट मिल रहा है वो 10% मिल रहा है इनको भी, इनको हर्बीवर्स को, और फॉर एग्जांपल अगर हम मानेंगे जो टोटल आउटपुट है, जो टोटल आउटपुट या जो टोटल एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 90%, ओके। एंड इस तरह से अगर हम कार्निवर्स की बात करेंगे, वहाँ भी जो एफिशिएंसी है वो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट के बराबर होता है, एंड अगर वहाँ पे भी इनको अकाउंट टू 10% ला, इनको भी 10% ही मिल रहा है। अब इनकी, हमने पहले ही कहा कि जो कार्निवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवर्स से, इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप मानो यहाँ पे ये 80% प्रोड्यूस कर रहे हैं कि इनसे कम होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे ऑप्शन देखें यहाँ पे 8 है, तो दैट इज़ वाई जो एनर्जी, जो एफिशिएंसी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है वो हर्बीवर्स की बेटर है एज़ कम्पेयर टू कार्निवर्स से। क्वेश्चन सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। नो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा है JKSSB ने जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में, सब इंस्पेक्ट एग्जाम में भी रिसेंटली पूछा है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑन 6 अगस्त 2019। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसको प्रेजिडेंट का असेंट मिलता है कब, दैट इज 9 अगस्त को। वो कि जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल है वो 5 अगस्त को पास होते हैं राज्यसभा से, उसके बाद 6 अगस्त को पास होते हैं लोकसभा से, एंड देन फाइनल 9 अगस्त को उसको असेंट मिलता है प्रेसिडेंट का। ऑफ कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि उस टाइम पे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था, जो प्रेजेंट प्रेजिडेंट इंडिया की, दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी, ओके। नो, अब हम आल्सो अदर स्टेटमेंट्स भी देखते हैं, जैसे स्टेटमेंट सेकंड है,
द पार्ट फिफ्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। अब पार्ट फिफ्थ का जो टाइटल है दैट इज डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमारा जो जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें टोटल 14 पार्ट्स है। अब उन पार्ट्स का जो टाइटल है, जैसे पार्ट फर्स्ट का टाइटल है प्रीलिमिनरीज, यानी प्रीलिमिनरीज यानी जो वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज इस पूरे एक्ट में यूज़ हुए उनकी मीनिंग है वो पार्ट फर्स्ट में। इस तरह से पार्ट सेकंड में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, पार्ट थर्ड में आपको मिलेगा विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन 8 टू सेक्शन 57 तक है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर्स। तो इस तरह से पार्ट 14 तक है जो इनके टाइटल्स हैं, ये आपको याद रखने अच्छे से एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नाउ जो स्टेटमेंट थर्ड है द लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी। चीफ मिनिस्टर होता है वो ओथ किसके सामने लेता है, एलटी के सामने, द लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने, दिस आल्सो ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट है द शेड्यूल 4 ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद ओथ एंड अफर्मेशन। टोटल 5 शेड्यूल्स हैं जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, उसमें जो शेड्यूल 4 है वो किसके बारे में हमें, दैट इज ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो इसका राइट जो हमारा हमें देखना था कि कौन सा इनकोरेक्ट है, सो स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। क्वेश्चन थर्ड, द इंडियन स्टेशनरी कमीशन साइमन कमीशन वॉज फॉर्मर टू रिव्यू। तो ये क्वेश्चन पूछा एसएससी जल के टायर फर्स्ट में, जे के सभी ने पूछा सब पर एग्जाम है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अब जो साइमन कमीशन है कब आता है, 1927 में, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होता है। क्यों आता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है 1919 का उसको रिव्यू करने के लिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या होता है, उसमें प्रोविंसेस में दायर की दी जाते हैं। अब यहाँ के जो एक्टिविस्ट है वो ये कहते हैं कि हमें प्रोविंसेस में हमें न्यू कंस्टिट्यूशन रिफॉर्म हो जाए। अब फिर जो इस साइमन कमीशन फॉर्म किया जाता है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो दायर किए ये जो प्रोविंसेस में सक्सेसफुल नहीं रही है, दैट इज वाई अब प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दी जाए। तो इसका मतलब पर्पज़ यही था फॉर्म करने का कि ये रिव्यू करे कि क्या इंडिया न्यू कंस्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए फिट है कि नहीं है, क्योंकि उसके इसी को बेस बना के फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें जो प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दी जाती है इंडिया को। तो दैट्स वाई किसको रिव्यू करने के लिए इसको फॉर्म किया गया था, फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर कंस्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, इसलिए इसको फॉर्म किया गया था। सो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज। उन्हों की जो साउथर्न इंडिया में मध्य प्रदेश में यहाँ विंध्या रेंज और यहाँ पे सतपुरा रेंज है, इनके बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है, दैट इज नर्मदा रिवर। सो इसका राइट आंसर है सी। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के आईएएस में, एंड एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, जेकेएसएसबी ने पूछा है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन फाइव, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मे मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट। वो बेसिकली हमारे पास तीन लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। अब स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में कुछ मैटर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो स्टेट लिस्ट, अब स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर है उन पे जो यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉज बना सकती है, बट एक्सेप्ट पब्लिक एंड पुलिस आर्डर। नो डाउट कि जो पब्लिक एंड पुलिस आर्डर है वो भी बेसिकली स्टेट लिस्ट में आते हैं, बट जो यूटी है, जे एंड के की यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इन दो मैटर्स पे लॉज नहीं बना सकते। ये किस पे मेंशन है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में मेंशन है। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है जेकेएसबी ने जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में। क्वेश्चन सिक्स, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वॉज ऑर्गेनाइज रिसेंटली बाई इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इन। तो ये क्वेश्चन जे के करंट अफेयर्स है, नवंबर 2022 में न्यूज़ में था। बेसिकली इसको हम डिस्कस करेंगे अभी मैं जब एक मैराथन कोर्स लेके आऊँगा 2021 से लेकर 2023 तक, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में। तो अब ये जो फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, दैट इज श्रीनगर में। सो इसका राइट आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर में बेसिकली डल लेक में बैठ के, शिकाराज में बैठ के, एक इसका मेन पर्पज़ ये था कि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना है। इसका जो नाम दिया गया दैट वाज निवासक दीदी। निवासक दीदी यानी होती है कि जो फीमेल डाकियाज होते हैं उनको हम कहते हैं निवासक दीदी। क्वेश्चन सेवन, विच आर द फॉलोइंग किंग्स एंटर्ड द वेली व्यू पखल स्पेंड अ फ्यू डेज एट बारामूला एंड अकॉर्डिंग टू तारिक हसन द सिटी हैड बीन डेकोरेटेड लाइक ए ब्राइड। ये क्वेश्चन पूछा गया जेकेएसबी के सब एडिटर एग्जाम में, जेके हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अब कौन सा ऐसा रूलर है जो जिसने विजिट किया है बारामूला, फिर वहाँ पे कुछ दिन रहा है वो, और तारिक हसन के अकॉर्डिंग जो सिटी थी वो ब्राइड की तरह उस दिन सजाई गई, सो दैट इज अकबर। सो इसका राइट आंसर है सी। और कमेंट से ये बताओ जो तारिक हसन बुक है ये किसने लिखी है। क्वेश्चन एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट शॉर्ट टर्म फिनोमेना, सेकंड लवर्स प्लैनेट्स ओवरऑल टेम्परेचर, थर्ड रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इनटू एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन पूछा है जेकेएसबी ने सब एंट्रेंस एग्जाम में, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है। अब कौन है ट्रू ग्लोबल वार्मिंग के से रिलेटेड, फर्स्ट है शॉर्ट टर्म फिनोमेना, नहीं जो ग्लोबल वार्मिंग ये लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, सो दिस इज इनकरेक्ट। लवर्स प्लैनेट्स ओवरऑल टेम्परेचर, नहीं इससे ग्लोबल वार्मिंग से ओवरऑल टेम्परेचर जो है प्लैनेट का हाई हो जाता है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इनटू एटमॉस्फेयर, दिस इज ट्रू। सो ऑनली थर्ड इज ट्रू, सो इसका राइट आंसर है डी।
क्वेश्चन 9, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शंस टू द इंडियन प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स। ये क्वेश्चन पूछा है जीके सिविल सर्वेंट्स पे एग्जाम में, असिस्टेंट कंपाइलर में भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अब वी नो बेसिकली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता 1935 में, उसमें जो प्रोविंस में ऑटोनॉमी दी जाती है, तो उसके बाद फिर प्रोविंस जो लेजिस्लेचर इलेक्शंस होते हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं 1937 में। सो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फोल्ड मोटेनेज इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा है SSC CGL में एंड जेके सब्जेक्ट्स पर एग्जाम में रिसेंटली, जियोग्राफी से क्वेश्चन है। अब कौन है इंडिया का ओल्डेस्ट फोल्ड मोटेरेंज, दैट इज अरावली मोटेरेंज। सो ये इसका राइट आंसर है ए। अरावली मोटेरेंज किस स्टेट में, दैट इज राजस्थान में। क्वेश्चन 11, विच इज नोन एज मीट ऑफ जीसस इन यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्वेश्चन पूछा है जेके एसएसबी ने जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में, तो इस डेस्टिनेशन का क्वेश्चन है किसको कहते हैं मीट ऑफ जीसस, जो गुलमर्ग है गुलमर्ग कहते हैं मीट ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज बारामूला में। जैसे जो दूध पत्र है इसको कहते हैं वैली ऑफ मिल्क किस डिस्ट्रिक्ट में, बड़गाम में। एंड जो सोनमर्ग है इसको कहते हैं मीट ऑफ गोल्ड किस डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल में। एंड जो बेसिकली यूसमर्ग है यूसमर्ग को कहते हैं मीट ऑफ जीसस, सो इसका राइट आंसर है डी। एंड यूसमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन 12, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन। ये क्वेश्चन पूछा है SSC CGL में, जेके एस मैंने पूछा रिसेंटली सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, बेसिकली उन्होंने की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 में, उसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया जाता है। सो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन 13, बाहुलोचन वाज सक्सीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। नो बाहुलोचन के बाद कौन सा रूलर आता है, ये जेके एस मैंने पूछा जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में, सब इंस्पेक्टर में भी, जे एन के हिस्ट्री से क्वेश्चन है। बाहुलोचन के बाद कौन सा रूलर आता है, दैट इज जम्बुलोचन। सो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन 14, विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ झेलम रिवर क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन पूछा है जेके एसएसबी ने असिस्टेंट कंपाइलर में, जे एन की ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अब कौन सी नेशनल पार्क बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है लाइन ऑफ कंट्रोल के नियर है, दैट इज काजीनाग नेशनल पार्क। सो इसका राइट आंसर है सी। और कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो काजीनाग नेशनल पार्क है ये किस एनिमल के लिए फेमस है। क्वेश्चन 15, हु लेड द बरदोली सत्याग्रह इन 1928। नो किसने लीड किया बरदोली सत्याग्रह को 1928 में। अब ये बरदोली करंट गुजरात में सूरत के नियर ये लोकेट है, उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। बेसिकली इस सत्याग्रह के पीछे रीजन ये था कि लैंड असेसमेंट जो होती थी ब्रिटिश हर 30 साल के बाद करती थी, अब 1926 में लैंड असेसमेंट होने थे, तो इस लैंड असेसमेंट के बाद फिर डिसाइड होता था कि कितना लैंड रेवन्यू जो है वो इंक्रीज करना है। उस टाइम पे जो सूरत के जो डिप्टी कलेक्टर थे, दैट वाज MS जैकर, तो उसको कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, तो उसने ऐसी बिना कुछ असेसमेंट करके तो उसने ऐसे इंक्रीज कर दी 30% लैंड रेवेन्यू। तो इसी के फिर प्रोटेस्ट में आ गए सारे, तो इसको लीड किया था उस टाइम पे फिर बरदोली सत्याग्रह किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। सो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा है जेके एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, क्योंकि हम बायोस्फीयर रिजर्व ज्योग्राफी में पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। अब टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें 12 जो है वो यूनेस्को के अंडर है। अब कौन है सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज गुल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहाँ पर है लोकेट गुजरात में। सो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स एन इंटरिम गवर्नमेंट अंडर नेहरू वाज स्वॉर्न इन। ये क्वेश्चन पूछा है जेके एसएसबी ने असिस्टेंट कंपाइलर में, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। उन्होंने बेसिकली पहले कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद से इलिमाउद जिन्ना जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे भी डिक्लेयर करता है 16 अगस्त 1946 को, उसके बाद से देन फाइनली जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो बनाए जाते हैं, 14 मेंबर्स होते हैं इसमें। एंड इसको लीड करता है कौन, दैट इज नेहरू। सो कब बनाए जाते हैं, दैट इज 1946 में। सो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन 18, विच इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया लोकेट इन राजस्थान। ये SSC CGL टायर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन, जियोग्राफी लेके से क्वेश्चन है। अब कौन है सबसे लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक इंडिया की, जो राजस्थान में लोकेट है, दैट इज़ सांबार लेक। सो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन 19, विच आर द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑरिजिनेट इन नॉर्थ इंडिया। नो ये क्वेश्चन पूछा है जेके एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। अब कौन सा क्लासिकल डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है नॉर्थ इंडिया में या ऑरिजिनेट हुआ है नॉर्थ इंडिया में, दैट इज़ कथक। जो कथकली ये बिस्की केरला का क्लासिकल डांस है, जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है, एंड जो मोहिनीअट्टम है ये भी केरला का क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन 20, विच आर द फॉलोइंग गार्डन्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया। ये क्वेश्चन पूछा है जेके एसएसबी ने असिस्टेंट कंपाइलर में, जेके ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। कौन है एशिया के लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जो जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन। सो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन 21, द पुणे एक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। नो ये क्वेश्चन पूछा है जेके एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अब जो पुणे एक्ट 1932 का, वो नो कि 1931 में पहले गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके बाद 1931 में
जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जो है पार्टिसिपेट करता है, तो उसके बाद वहाँ पे जो ब्रिटिश पीएम होता है दैट्स रामसे मैकडोनल्ड, वो बेसिकली वहाँ पे क्रिमिनल अवार्ड्स प्रोवाइड करता है। तो उसकी वजह से गांधी को गुस्सा आता है और गांधी वापस आता है इंडिया में और येरावाला जेल में चला जाता है फास्ट ऑन टू डेथ पे। एंड उसके बाद जो भीमराव अम्बेडकर होता है वो बेसिकली गांधी के पास आता है, तो एक पैक्ट वो साइन करते हैं। बेसिकली गांधी जेल में होता है तो गांधी की तरफ से आता है पंडित मदन मनोहर। तो उसके बाद से वो ये डिसाइड होता है कि अब जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं देंगे, बट उनको अब रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे सेपरेट माइनॉरिटीज़ एंड जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके लिए अब रिजर्वेशन रखेंगे, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट। सो ये जो पुणे पैक्ट है किसके बीच में होता है, दैट इज़ गांधी एंड अम्बेडकर। सो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन 22, सैफ्रॉन इज़ यहाँ पे मोस्टली होगा, मोस्टली कल्टिवेटेड इन पंपोरा, पंपोरा इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन पूछा है जे के एस एस बी ने, सेवेंस पर एग्जाम है, जे के ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अब जो पंपोरा है उन्होंने सैफ्रॉन मोस्टली यहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है, तो अब पंपोरा किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, दैट इज़ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। सो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। नो ये क्वेश्चन पूछा है जे के एस एस बी ने, सेवेंस पर एग्जाम है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। कौन सा पोर्ट लोकेट है आंध्र प्रदेश में, इसलिए जो मुंद्रा पोर्ट है ये अडानी का प्राइवेट पोर्ट है, कहाँ पर लोकेट है, गुजरात में, कोजन पोर्ट है केरला में, चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में, एंड जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट पे है। सो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन 24, ऑपरेशन विजय वॉज कैरिड आउट बाय द इंडियन आर्मी फोर्सेज टू इंटीग्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज इन टू इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जे के एस बी ने, सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, पोलिटिकल जियोग्राफी से क्वेश्चन है। अब जो ऑपरेशन विजय उसको कैरिड आउट किया था इंडियन आर्मी ने किसको इंटीग्रेट करने के लिए, दैट इज गोवा को। सो इसका राइट आंसर है बी। अब बताओ जो हैदराबाद में जो ऑपरेशन चला था उसका नाम क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। क्वेश्चन 25, विच आर द फॉलोइंग रूलर्स अपॉइंटेड द मुस्लिम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। ये क्वेश्चन पूछा जे के एस बी ने, असिस्टेंट कंपाइलर में, जे एन के हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अब किसने किया फर्स्ट फाइंड मुस्लिम रूल कश्मीर में, उन्होंने की शाहमीर डायनास्टी का फाउंडर था शाहमीर, उसका रियल नाम था शमसुद्दीन। सो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन 26, चेन्नई नेशनल टनल इज आल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन पूछा जे के एस बी ने, पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट में और जीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। अब जो चेन्नई नेशनल टनल है उसका दूसरा नाम क्या है, बेसिकली वो कि जब जो NH-44 है, अब यहाँ पे जब रामबन है तो रामबन में बेसिकली जवाहर टनल या बाइनाल टनल है, उसके बाद से रामबन के आगे यहाँ पे उधमपुर है, तो उधमपुर में बेसिकली पार्टी टॉप टनल या जिसे चेन्नई नेशनल टनल, अब इसका नाम चेंज करके रख दिया गया डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। सो इसका राइट आंसर है देन डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। सो बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन बिटवीन ग्रेटर निकोबार एंड द सुमित्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन पूछा जे के एस बी ने, सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अब ग्रेटर निकोबार और सुमित्रा आइलैंड्स के बीच में कौन सी जनरल है, वही नो कि बेसिकली जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार निकोबार, फिर मिडल निकोबार, फिर ग्रेटर निकोबार, और फिर यहाँ पे सुमित्रा आइलैंड्स है। अब इनके बीच में यहाँ से जो चैनल है दैट इज़ ग्रैंड चैनल। सो इसका राइट आंसर है डी। एंड जो 10 डिग्री चैनल है ये बेसिकली अंडमान एंड निकोबार के बीच में, आप बताओ कमेंट सेक्शन में जो 8 डिग्री एंड 9 डिग्री चैनल है ये किन के बीच में। क्वेश्चन 28, जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन। ये चीज़ की इकोनॉमी से क्वेश्चन है, तो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी जो है किससे मोस्टली डिपेंड है, दैट इज एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर पे। सो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैचड। नो ये क्वेश्चन सेंसस 2011 से, अब इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैचड है, सेंसस लोवेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, दिस इज ट्रू। मेघालय हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, दिस इज आल्सो ट्रू। हरियाणा हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, दिस इज आल्सो ट्रू। लक्षद्वीप लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नो ये स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है, सो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि लक्षद्वीप में अगर हम यूटीज की बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। सो इसका राइट आंसर है देन डी। क्वेश्चन 30, इन कश्मीर वैली विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज लोकली नोन एज वंद। ये क्वेश्चन जे के एस बी ने, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा है, जे के ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अब वंद किसको कहते हैं, वो नो कि विंटर को। सो इसका राइट आंसर है ए। तो विद दिस समर आज का सेशन कंप्लीट होता है, आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।